अगर आप लोग करंटली मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट में ONDC का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। ONDC का मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये कैसा प्लेटफॉर्म है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया था, जहाँ पर जितने भी मार्केट के रिटेल एग्रीगेटर्स हैं वो आते हैं और यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर को फुलफिल किया जाता है। अगर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो एक ऐसा डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट को पुट करता है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिलीवरी की जाती है। और अगर आप लोग यहाँ पर इनकी प्राइसिंग को देखेंगे तो इसकी प्राइसिंग जो है वो मार्केट के अदर कॉम्पिटिटर के हिसाब से, और अगर आप लोग ONDC की प्राइसेस को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि अदर पार्टिसिपेंट्स के कंपैरिजन में ONDC पर प्रोडक्ट की प्राइसेस बहुत ही कम होती है। पर्सनली मेरा ओपिनियन तो ONDC को लेकर कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर आने वाले टाइम पीरियड में जैसे जैसे ONDC की सर्विसेज इंप्रूव होगी वैसे वैसे मार्केट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिस पर इस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा। करंटली मार्केट में 4 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर ONDC का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, जिसमें से सबसे पहली इंडस्ट्रीज हैं फाइनेंशियल सर्विस की, सेकंड इंडस्ट्रीज हैं मैन्युफैक्चर की, तीसरी इंडस्ट्रीज हैं रिटेल एंड ई कॉमर्स की, और फोर्थ एंड लास्ट इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर की। और अगर आप लोग करंटली इकोनॉमी में देखेंगे तो इकोनॉमी में ये 4 सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप लोग इकोनॉमी की ग्रोथ को देखेंगे तो इकोनॉमी की ग्रोथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं फैक्टर्स का है। मतलब अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसके पीछे बैंकिंग एंड फाइनेंस की इंडस्ट्री है, और इंडिया की इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है तो उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, और वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और ई कॉमर्स का सेक्टर भी काफी तेजी से ग्रो करते जा रहा है और यहाँ पर इस चीज की इंपॉर्टेंट भी बढ़ते जा रही है। अगर आप लोग ONDC के प्लेटफॉर्म को ऑब्जर्व करेंगे तो ONDC का जो नेटवर्क है वो बेसिकली इसी चीज पर काम करता है, जितनी भी मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है बेसिक से बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम करता है। अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो करंटली मार्केट में जो है वो ONDC की सर्विसेज को मैजिक पिन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको ONDC पर कुछ ऑर्डर करना होता है तो आप मैजिक पिन की वेबसाइट पर जाकर, मैजिक पिन के प्लेटफॉर्म पर जाकर, या आप पेटीएम जैसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके ONDC पर ऑर्डर कर सकते हैं और ONDC के सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग ONDC के प्राइसेस को कंपेयर करेंगे अदर मर्चेंट के साथ तो यहाँ पर आपको प्राइसेस में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस डिफरेंस की वजह से मार्केट में जो एंड कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है और कस्टमर के लिए अफोर्डेबल हो जाता है और यहाँ पर बहुत सारी सेविंग्स भी हो जाती है। पर्सनली मेरा ओपिनियन तो ONDC के प्लेटफॉर्म को लेकर कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन मार्केट में जिस तरीके से ONDC के प्लेटफॉर्म की प्लानिंग चल रही है आने वाले टाइम पीरियड में यहाँ पर माना जा रहा है कि ग्रोथ काफी ज्यादा होगी। ये प्लेटफॉर्म अभी डेवलपिंग स्टेज में है तो आने वाले टाइम पीरियड में डेफिनेटली कुछ अच्छा करने वाले हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एप्लीकेशन होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीजें काफी ज्यादा आसान होने वाली हैं। और अगर मार्केट में ONDC के प्लेटफॉर्म को सक्सेस मिलती है तो मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हद तक कम हो जाएगा और यहाँ पर रिटेलर्स को और मर्चेंट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए फीस भी बहुत कम पे करनी पड़ती है और इसी के साथ साथ कस्टमर के लिए भी अफोर्डेबल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पर रिटेलर्स और मर्चेंट को अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए, अपने आउटलेट को लिस्ट करने के लिए ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ते हैं और इन्हीं चार्जेस की वजह से उन प्रोडक्ट के कॉस्ट में भी इंक्रीज होता है। तो आई होप आने वाले टाइम पीरियड में ONDC जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। और ONDC को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।